आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपना लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग जो है YouTube पर अपना लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 ये वीडियो अपलोड हम लोग का हो चुका है, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन और चार्ज से रिलेटेड बात किया था। फिर उसी तरह से लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 जो हम लोग का लास्ट हुआ था वो था कि हम लोग किसी भी बॉडी को या किसी भी वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं। मतलब अगर हम बात करें कि अगर ये कोई मैटर है या कोई मटेरियल है, यानी कोई पदार्थ है, तो जाहिर सी पदार्थ है, दुनिया का हर पदार्थ किससे बना होता है? एटम से बना होता है। और एटम के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जितना संख्या इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही संख्या किसका होता है? प्रोटॉन का। यानी इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? बराबर होता है। तो ये मैटर या मटेरियल हम लोग क्या बोलते हैं कि यह क्या है? न्यूट्रल है। ये क्या कहलाता है? न्यूट्रल कहलाता है। लेकिन हम लोगों ने ये सीखा था कि ये न्यूट्रल मटेरियल को हम लोग चार्ज कैसे कहते हैं, यानी कब कहेंगे कि यह मटेरियल चार्ज्ड हो गया है। तो इसके लिए हम लोग बात किए थे कि अगर इस बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो वह बॉडी क्या हो जाता है? चार्ज्ड कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या या प्रोटॉन का संख्या अगर उस पर डिफरेंट है तो वह वस्तु क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। और हम आपको ये भी बताए थे कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो यह वस्तु क्या होगा? ये वस्तु होगा निगेटिवली चार्ज्ड। और हम फिर बताए थे कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज़्यादा हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो यह बॉडी क्या कहलाएगा? पॉजिटिवली चार्ज कहलाता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ तो निगेटिवली चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हुआ तो पॉजिटिवली चार्ज। और हम लोग ये भी सीखे हुए थे कि कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है तो किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होता है। क्यों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है? तो क्योंकि उस बॉडी के अंदर जो प्रोटॉन होता है, यानी जो पॉजिटिव होता है, वह न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स से क्या होता है? वह बंधा होता है। इसलिए कभी भी प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता, जब भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। मतलब अगर हम इस मार्कर की बात करें तो अभी शुरुआत में ये मार्कर क्या है? न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि इस पर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश हम लोग इस पर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या होगा? कमी हो जाएगा। और प्रोटॉन को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण इस पर ज़्यादा कौन हो गया? प्रोटॉन। तो ये बॉडी हो गया पॉजिटिवली चार्ज। और वो इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी पर गया उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया तो वो क्या हो गया? निगेटिवली चार्ज्ड। यानी इलेक्ट्रॉन के आने से कोई वस्तु क्या होता है? ऋण आवेशित हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन के जाने से कोई वस्तु क्या हो जाता है? धन आवेशित हो जाता है। ऐसा हम लोग पिछले क्लास में या पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हुए थे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वह इसी से तय होता है कि ठीक है सर, आप तो ये बता दिए कि अगर इस मार्कर पर से इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये मार्कर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इस मार्कर पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये मार्कर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सर ये बात हम समझ गए। लेकिन सर आप ये बताइए, ठीक है, क्या ये इलेक्ट्रॉन अपने आप चला जाएगा? क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप इस पर आ जाएगा कि इसके लिए हमको कोई अलग से व्यवस्था करना होगा, कोई अलग से वर्क करना पड़ेगा? तो इसी से रिलेटेड हमारा आज का जो टॉपिक है वो होने जा रहा है, जिसका नाम है मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी आवेशन की विधि, यानी कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र होता है या इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर कैसे आ जाता है, इसी से रिलेटेड हमारा आज का क्लास है। तो पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी वस्तु आवेशित कब कहलाता है? तो जब उस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या डिफरेंट हो तो वह क्या होता है? चार्ज्ड बॉडी कहलाता है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो निगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम होगा यानी प्रोटॉन अधिक होगा तो पॉजिटिवली चार्ज। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्लास है मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने हेडिंग का नाम दे देते हैं। हम लोग का हेडिंग क्या है? हेडिंग है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग यानी आवेशन की विधि, आवेशन की विधि। मतलब
अगर ये बॉडी अगर हमारा न्यूट्रल है, अनावेशित है, तो फिर ये वस्तु चार्ज कब कहलाता है हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन अलग अलग हुआ तो ये चार्ज कहलाएगा, लेकिन ये चार्ज कैसे होता है ये चीज़ हम अभी सीखने जा रहे हैं, यानी मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधि। तो इसमें हम लोग को जो है चार मेथड पढ़ना है, हमारे सिलेबस में चार मेथड है, यानी चार तरीका है जिसके माध्यम से हम उस वस्तु को चार्ज कर सकते हैं, जिसमें एक सबसे पहला है फ्रिक्शन मेथड। सबसे पहला क्या है? फ्रिक्शन मेथड, यानी फ्रिक्शन मेथड यानी घर्षण विधि। तो पहला कौन सा मेथड है? फ्रिक्शन मेथड यानी घर्षण विधि। और हम लोग का दूसरा कौन सा मेथड है? तो दूसरा मेथड है कंडक्शन मेथड। दूसरा मेथड जो हमें पढ़ना है वह है कंडक्शन मेथड, जिसको हम कहते हैं चालन विधि। और तीसरा जो हम लोग का मेथड है वो है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरण विधि। और चौथा जो हम लोग का मेथड है वो है पोलराइजेशन मेथड। पोलराइजेशन मेथड यानी ध्रुवन विधि। यानी सबसे पहला है फ्रिक्शन मेथड, दूसरा है कंडक्शन मेथड, तीसरा है इंडक्शन मेथड और चौथा है पोलराइजेशन मेथड। और इसी सारे मेथड्स के बारे में हम लोग अभी डिटेल एक एक करके जो है आगे अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें हम लोग का सबसे पहला मेथड होगा वो होगा फ्रिक्शन मेथड। तो अभी आप लोग के बोर्ड के ऊपर इधर एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज लिखा गया है, इसका आपको ज़रूरत है, इसलिए इसको अभी हम बोर्ड पे ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके चारों का नाम हम सीख लिए हैं, सुन लिए हैं, अब एक एक करके हम लोग जो है सबके बारे में पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें फ्रिक्शन मेथड के बारे में, यानी घर्षण विधि के बारे में। तो चलिए हम लोग अब फ्रिक्शन मेथड को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, यानी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में हम ऐसे रब करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन बोलेंगे। घर्षण यानी घर्षण वर्ड से तो हम लोग पहले से ही परिचित हैं, हम लोग को 7th, 8th, 9th में ही घर्षण का मतलब समझाया जाता है। तो कहता है कि घर्षण विधि से किसी वस्तु को कैसे हम लोग आवेशित करेंगे, तो इसके लिए कहता है कि आप सबसे पहले जो है दो वस्तुओं का आपस में जब घर्षण कराएंगे तो घर्षण के वजह से हीट पैदा होगा। यानी दो वस्तुओं का आपस में रगड़ेंगे तो क्या पैदा होगा? हीट पैदा होगा। और हीट क्या है? तो एक इनर्जी है, और वह इनर्जी कौन लेगा? इस पर का इलेक्ट्रॉन। और चूंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? फ्री होता है, तो वह इलेक्ट्रॉन हीट इनर्जी को जैसे लेगा तो वहाँ से क्या होगा? भागेगा। और वह भाग करके किस पर आएगा? दूसरे ऑब्जेक्ट पर आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई भी दो गो वस्तु ले करके उसको घर्षण करा देने से आपको यह चार्ज या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता है। हमें दो ऑब्जेक्ट्स का फ्रिक्शन कराना है, ये तो सही बात है, लेकिन वो दोनों ऑब्जेक्ट होना चाहिए डिफरेंट मटेरियल का। मतलब अगर हम इस मार्कर से इस मार्कर को रगड़ें और कहें कि इस पर से इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसको दिमाग में सेट कीजिए। क्यों गलत हो जाएगा? तो क्योंकि ये दोनों मार्कर जिस मटेरियल से बने हैं वो दोनों का दोनों मटेरियल एक ही है, यानी कोई भी दो सेम मटेरियल, जैसे हम अपने इस दोनों हाथों को रगड़ेंगे तो ऐसा नहीं कि एक पर प्लस और एक पर माइनस आ जाएगा, ठीक है? ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। यानी हमें दो ऑब्जेक्ट को रगड़ना है, लेकिन वो दोनों ऑब्जेक्ट होना चाहिए डिफरेंट मटेरियल का। और इतना ही नहीं, डिफरेंट मटेरियल का होने के साथ साथ एक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट, डोनेट का मतलब होता है दाता परमाणु हो, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और एक मटेरियल एक्सेप्टर टेंडेंसी का हो, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तब उसके बाद हम दो डिफरेंट मटेरियल ले लेंगे और उसको जब रगड़ेंगे तो हीट एनर्जी पैदा होगा, और उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लेगा, और डोनर टेंडेंसी का जो एटम होगा वह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और एक्सेप्टर टेंडेंसी का जो एटम होगा वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और इस तरह से दोनों बॉडी पर अलग अलग चार्ज हो जाएगा और हम कहेंगे वस्तु क्या हो गया? आवेशित हो गया। यानी इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं ये एक सिल्क,
मान लीजिए हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, ये क्या है, कोई सिल्क का कपड़ा है, और हम यहाँ पर ले लेते हैं ये है कोई ग्लास का रड है। यानी यहाँ पर हमने ले लिया एक सिल्क का कपड़ा ले लिया, यानी सिल्क का क्लॉथ ले लिया और एक ग्लास का रड ले लिया। थोड़ा सा और इसको और छोटा बना देते हैं, ये हो गया हमारा सिल्क और ये हो गया हमारा ग्लास का रड। ये क्या है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, यानी ये क्या है, स्टार्टिंग में न्यूट्रल है, जितना प्लस है उतना ही क्या है इस पर माइनस है। और ये है आपका, मान लीजिए इसमें भी क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी ये भी जो ग्लास का रड है ये भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और ये जो है, ये है आपका ग्लास रड। ये जो बात हम कर रहे हैं ये है बिफोर फ्रिक्शन, बिफोर फ्रिक्शन यानी घर्षण के पहले, घर्षण के पहले। यानी हमने क्या ले लिया, एक सिल्क का कोई क्लॉथ ले लिया, तो सिल्क का क्लॉथ लेने का मतलब क्या हुआ, सिल्क भी तो मटेरियल ही है ना, तो मटेरियल है तो क्या होगा, वह न्यूट्रल होगा और उस पर जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस होगा। हमने एक ग्लास का रड ले लिया, तो ग्लास रड क्या है, मटेरियल है, एटम से बना हुआ है, तो उस पर जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, उस पर माइनस होगा। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इस दोनों का आपस में हम क्या कराते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं, यानी इस दोनों को आपस में हम क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं। तो हम ये देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ग्लास रड पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, तो जैसे हम लोग ग्लास रड के साथ सिल्क के रड को रगड़ते हैं तो यहाँ क्या होता है, हीट इनर्जी पैदा होता है, क्या होता है, हीट इनर्जी पैदा होता है। और जो हमारा ग्लास का रड है ये जो होता है वह डोनर टेंडेंसी रखता है, जो हमारा ग्लास का रड है, ग्लास का जो रड है वो क्या रखता है, डोनर टेंडेंसी, डोनर टेंडेंसी। और जो ये सिल्क है ये रखता है एक्सेप्टर टेंडेंसी, एक्सेप्टर टेंडेंसी, यानी इसके पास होता है ग्राही परमाणु और इसके पास क्या होता है, दाता परमाणु। अब क्या हुआ होगा तो इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से, यानी जैसे हम लोग इस दोनों का आपस में फ्रिक्शन कराए होंगे तो डोनर टेंडेंसी वाला जो है उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वह हीट एनर्जी ले करके और यहाँ से क्या हुआ होगा, वह निकला होगा, और एक्सेप्टर टेंडेंसी वाला जो सिल्क है वह एक्सेप्ट किया होगा, तो सिल्क वाले पर क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन, और गया किस पर से, इस प्लस वाले रड पर से, यानी ये हो गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये क्या हो गया हमारा, नेगेटिवली चार्ज्ड। यानी एक बार और बात को समझ लीजिए, हम क्या लिए, एक सिल्क का कोई कपड़ा लिए, मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है, सिल्क का कोई कपड़ा है, ये क्या है, सिल्क का कोई कपड़ा है, और ये क्या है, ग्लास रड है। अब अभी दोनों को अलग रखेंगे तो ये भी क्या है, न्यूट्रल है, ये भी क्या है, न्यूट्रल है, जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें उतना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें भी, ये दोनों का दोनों न्यूट्रल है। अब जैसे इस दोनों का हम घर्षण कराएंगे, ये पेपर और मार्कर मत समझिए, इसको सिल्क समझते हैं और इसको क्या समझते हैं, ग्लास का रड। जैसे हम इसका फ्रिक्शन कराएंगे तो जो सिल्क होता है वह एक्सेप्टर टेंडेंसी का होता है और जो ग्लास होता है वह डोनर टेंडेंसी के उसके परमाणु होते हैं, तो घर्षण के बाद जैसे हीट एनर्जी आएगा तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन वह डोनर टेंडेंसी होने की वजह से निकलेगा वहां से, और एक्सेप्टर टेंडेंसी सिल्क का होने की वजह से सिल्क पर वह क्या होगा, जमा होगा, यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकला मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर गया, इसलिए इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। फ्रिक्शन में यही घटना होता है। हम इसको थोड़ा लिखते हैं और इसके अंदर का दो चार क्वेश्चन और अभी आएगा, उसको ध्यान से सुनते चलिए। तो कहता है इन फ्रिक्शन, इन फ्रिक्शन
मेथड व्हेन वी रब टू डिफरेंट सब्सटेंसेज, कहता है कि इन फ्रिक्शन मेथड व्हेन वी रब टू डिफरेंट सब्सटेंसेज इन विच वन हैज डोनर टेंडेंसी एंड अनदर हैज एक्सेप्टर टेंडेंसी, एक्सेप्टर टेंडेंसी देन ड्यू टू हीट एनर्जी, ड्यू टू हीट एनर्जी डोनर, ड्यू टू हीट एनर्जी एटम ऑफ डोनर टेंडेंसी डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सेप्टर एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स सो वन हैज सो 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 द सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स becomes positively charged and the substance which accept electrons becomes negatively charged. Becomes negatively charged. चलिए अब हम लोग जो है इसके हिंदी को लिखते हैं, हम इसको मिटा करके इसका हिंदी लिख देते हैं. यानी इसका हिंदी क्या होगा, तो कहता है कि जब 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 हम दो अलग जब हम दो अलग अलग जब हम दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों ये आप लोगों को नहीं दिख रहा था, इसको थोड़ा हम फ्रेश कर देते हैं.
जब हम दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों जिसमें एक दाता परमाणु जिसमें एक दाता परमाणु वाला हो तथा दूसरा ग्राही परमाणु वाला हो जिसमें एक दाता परमाणु वाला हो तथा दूसरा ग्राही परमाणु वाला हो का जब घर्षण कराते हैं तब उसमीय ऊर्जा के कारण दाता परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु में जाते हैं तथा दाता परमाणु वाले पदार्थ के पास धनावेश तथा ग्राही परमाणु वाले पदार्थ के पास ऋण आवेश आ जाता है। तो ये था हम लोग का फ्रिक्शन मेथड। अब देखिए इसमें भी आप लोग के मन में कुछ क्वेश्चन रह गया होगा। क्या क्वेश्चन रह गया कि सर ठीक है यहाँ जो था आप सिल्क लिए और यहाँ जो था आप क्या लिए प्लास्टिक का रॉड लिए, आप दोनों को रगड़े तो प्लास्टिक के रॉड पे आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो सर हम लोग इसको कैसे समझेंगे किस पर प्लस और किस पर माइनस आएगा। तो देखिए इसको जो है देख करके समझना संभव नहीं है, हम भी इस बात को देख करके नहीं समझे हैं, यानी हम लोगों को जो है एक डाटा याद करना होगा और इसीलिए हम आपको बोर्ड पर ये डाटा लिखे हुए हैं जिसका नाम है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम आपको 16 डाटा लिखे हुए हैं, इससे और ज़्यादा होता है हम लोग के लिए सफिशियंट है, जिसमें एक नंबर पे ह्यूमन हैंड एस्बेस्टस रैबिट फर, ह्यूमन हैंड का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, एस्बेस्टस का मतलब समझ रहे हैं, रैबिट फर का मतलब समझ रहे हैं, ग्लास का मतलब शीशा, माइका मतलब सनमाइका से है, ह्यूमन हेयर का मतलब समझ रहे हैं, ऊल का मतलब, फर का मतलब सिल्क, कॉटन, स्टील, एम्बर, एम्बर धातु का नाम है, हैंड रबड़, पॉलिस्टर, पीवीसी और टेफ्लॉन। यानी कहता है कि ये जो हमको क्रमवार इसको याद करना होगा और एक बात हमें ध्यान देना होगा यहाँ पर एक ट्रिक, और वो ट्रिक क्या है तो इस क्रम में ऊपर वाला
इस क्रम में कोई भी दो पदार्थ का फ्रिक्शन कराते हैं तो ऊपर वाला डोनेट करेगा तथा नीचे वाला एक्सेप्ट करेगा, या हम कह सकते हैं ऊपर वाला देगा और नीचे वाला लेगा, यानी ऊपर वाला दिया और नीचे वाला क्या किया, कैच किया। तो अब देखिए हम लोग जो एग्जांपल लिए हैं सिल्क और ग्लास रॉड का, तो खोजिए इस क्रम में सिल्क कहाँ है, ग्लास तो यहाँ है 4 नंबर पे और सिल्क कहाँ है 9 नंबर पर, यानी इस क्रम में ऊपर कौन है, सिल्क की ग्लास, तो क्या देखेंगे ग्लास ऊपर है और सिल्क क्या है नीचे है, यानी ऊपर वाला देगा, यानी कौन देगा, ग्लास इलेक्ट्रॉन देगा और लेगा कौन, सिल्क। तो ग्लास इलेक्ट्रॉन दिया मतलब ग्लास पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और सिल्क ने इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, इसलिए इस पर निगेटिव किए और इस पर पॉजिटिव किए। अब इस क्रम से कोई भी दो आप उठा लीजिए, अगर आपको ये सीरीज याद हो जाएगा तो फिर आपका लफड़ा भी खत्म हो जाएगा। कोई भी दो उठा लीजिए, जैसे हम लोग का एक बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है, हम लोग का ये जो बाल है, बाल, और हम लोग उसको ग्लास वाले जो कलम होता है उससे रगड़ करके हम लोग चार्ज वाला एग्जांपल समझते हैं। तो ये हमारा ह्यूमन हेयर है और ग्लास है, तो इस दोनों में किस पर प्लस और किस पर माइनस आएगा, तो देखिए क्या खोजना है हमें, ह्यूमन हेयर और ग्लास। तो इसमें ह्यूमन हेयर कहाँ है, देखिए ह्यूमन हेयर 6 नंबर पे है और उसके बाद हम लोग का क्या खोजना है, ग्लास 4 नंबर पे है, यानी ग्लास ऊपर है ह्यूमन हेयर नीचे है, तो ग्लास इलेक्ट्रॉन देगा तो ग्लास पर कैसा प्लस और ह्यूमन हेयर इलेक्ट्रॉन लेगा तो ह्यूमन हेयर पर कैसा माइनस। मतलब जब इस दोनों को आपस में रगड़ेंगे, इसको ग्लास के कलम से बाल को रगड़ेंगे तो ग्लास ने इलेक्ट्रॉन दिया मतलब ग्लास पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा बाल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब इस पर क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी दो एग्जांपल आप इसमें से कोई भी उठा लीजिए, जैसे ऊल और सिल्क ले लेते हैं, तो ऊल क्या है, ऊपर है तो ऊल इलेक्ट्रॉन देगा मतलब ऊल के पास पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के पास निगेटिव चार्ज, यानी इस में कोई भी आप दो उठाइए, इस क्रमांक में जो ऊपर होगा वह इलेक्ट्रॉन देगा और जो नीचे आएगा क्रमांक में वह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि हम लोग का जो फ्रिक्शन मेथड है यानी पहला मेथड, ये आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का कंडक्शन मेथड, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि इसका एक दो एग्जांपल आप लोग को दे दिया जाए। चलिए हम लोग इसमें से कोई भी दो एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे हम कॉटन और हैंड रबड़ का ले लेते हैं, या कॉटन और एस्बेस्टस का ले लेते हैं। ये हो गया हमारा कॉटन और ये हो गया हमारा एस्बेस्टस। अब उस कॉटन को क्या किए हम, उस एस्बेस्टस के साथ क्या किए, घर्षण करा रहे हैं, तो हमें ये पता करना है कि किस पर प्लस आएगा और किस पर माइनस आएगा। तो देखिए कॉटन कितने नंबर पे है, 10 नंबर पे, और एस्बेस्टस कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, यानी एस्बेस्टस ऊपर है सीरीज में तो एस्बेस्टस इलेक्ट्रॉन देगा, यानी ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यह देगा। क्यों देगा, क्योंकि यह सीरीज में ऊपर है और हमने ये याद किया हुआ है। देखिए ये सीरीज हमने और आपने नहीं बनाया है, ये वैज्ञानिकों ने प्रयोग कर कर के इसको तैयार किया है, इसलिए हम लोग को इसको हूबहू याद करना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल तो नहीं कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन चूंकि सीरीज में ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये सीरीज में क्या है, नीचे है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, इस पर हो जाएगा निगेटिवली चार्ज्ड। तो इस तरीका से हम लोग ये देख सकते हैं कि किस पर निगेटिव चार्ज आएगा और किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा बाई फ्रिक्शन मेथड से। अब हम लोग आते हैं कंडक्शन मेथड पर।
यानी कंडक्शन मेथड क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है। दूसरा मेथड है हमारा कंडक्शन मेथड। जो सेकंड मेथड है उस मेथड का नाम है कंडक्शन मेथड, यानी चालन विधि। तो देखिए कंडक्शन मेथड में होता क्या है, तो कंडक्शन मेथड को समझने से पहले हमको समझना होगा व्हाट इज कंडक्टर, चालक क्या होता है। कंडक्टर को हम पहले समझते हैं, यानी ये कंडक्टर यानी चालक क्या होता है। तो कहता है कि वैसे मटेरियल, वैसे पदार्थ, वैसे सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में फ्री हो, यानी जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, जो आसानी से जो है उसमें घूम रहे हो, चल रहे हो, वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। और जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने दे, यानी जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने दे, वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। यानी ये आसान चीज है, दोज मटेरियल्स विच हैव मच फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इट ऑल्सो अलाउ करेंट इज कॉल्ड कंडक्टर एंड ऑल्सो अलाउ टू फ्लो, ऑल्सो अलाउ टू फ्लो करेंट इज कॉल्ड कंडक्टर। यानी वैसे पदार्थ, कहता है वैसे पदार्थ जो क्या हो, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो और जो करंट को क्या करे, अलाउ करे, करंट को जाने दे, वो क्या है, चालक है। मतलब वैसे पदार्थ जिसमें ज़्यादा मात्रा में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स हो तथा जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे, चालक कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या होंगे, तो एग्जांपल में देख लीजिए, हम लोग कह सकते हैं एग्जांपल में कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है, कंडक्टर के एग्जांपल है। अब आइए चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है। तो कहता है पहले इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, अब हम समझते हैं कंडक्शन यानी चालन, यानी कंडक्शन मेथड या चालन विधि को अब हम लोग समझते हैं ये क्या होता है। तो कहता है मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, और ये उस बॉडी में जितने प्लस हैं उतने ही क्या हैं, माइनस हैं, जितने प्लस हैं उतने ही क्या हैं, माइनस हैं। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया, न्यूट्रल, क्या हो गया, न्यूट्रल यानी उदासीन, और साथ ही साथ ये क्या है, कंडक्टर भी है, क्या है, कंडक्टर यानी चालक। ठीक है, या इसको आप ऐसे समझिए, ये न्यूट्रल वाले पार्ट को यहाँ से हटा देते हैं, इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है ये एक
चार्ज्ड बॉडी है। चार्ज्ड बॉडी का मतलब होता है आवेशित वस्तु। ये क्या है? आवेशित वस्तु है। और हमने जो है इसके बगल में एक ले लिया दूसरा, ये है अनचार्ज्ड बॉडी। अनचार्ज्ड बॉडी यानी अनावेशित वस्तु, ये है अनावेशित वस्तु। और अब हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी से एक कंडक्टर के थ्रू जोड़ देते हैं। यानी ये जो है, ये है आपका कंडक्टर। ये क्या है? कंडक्टर, जो कंडक्टर हम लोगों ने अभी पढ़ा है। यानी हमने इसको क्या किया, वाया कंडक्टर इसको जोड़ दिया। यानी कंडक्टर के थ्रू इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यानी वाया कंडक्टर हमने इसको क्या किया, जोड़ दिया। तो अब क्या होगा, चार्ज्ड बॉडी से चार्ज कहाँ जाएगा, अनचार्ज्ड बॉडी में, और अनचार्ज्ड बॉडी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, चार्ज्ड होने लगेगा। तो एक मेथड ये भी है, कंडक्शन मेथड, जिसमें हम लोग दो वस्तुओं को कंडक्टर के माध्यम से जोड़ करके आवेशित कर देते हैं। यानी दो वस्तुओं को आपस में कंडक्टर के माध्यम से जोड़ करके एक अनावेशित वस्तु को हम लोग आवेशित कर सकते हैं। वो क्या है? कंडक्शन मेथड है। यानी वो क्या है? चालन विधि है। तो कहता है कि व्हेन वी कनेक्ट ए चार्ज्ड बॉडी टू अनचार्ज्ड बॉडी वाया कंडक्टर, वाया कंडक्टर, यानी व्हेन वी कनेक्ट चार्ज्ड बॉडी टू अनचार्ज्ड बॉडी वाया कंडक्टर, देन अनचार्ज्ड बॉडी विल गेट्स चार्ज्ड, या अनचार्ज्ड बॉडी बिकम्स चार्ज्ड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन मेथड। मतलब इसका हिंदी क्या होगा, तो कहता है कि जब हम किसी आवेशित वस्तु को चालक के द्वारा अनावेशित वस्तु से जोड़ देते हैं, तो अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाता है, जिस विधि को चालन विधि कहते हैं। तो ये था हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को चार्जिंग बाय कंडक्शन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग का जो है चार्जिंग बाई कंडक्शन यानी कंडक्शन मेथड के बाद अब हमें देखना है इंडक्शन मेथड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हम लोग जो है इंडक्शन मेथड और पोलराइजेशन मेथड को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए आज के लिए हम लोग का
इतना ही है। अब हम लोग इसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास में इंडक्शन मेथड और पोलराइजेशन मेथड को समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे अपना क्लास रेगुलर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।